वीडियो शुरू होने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए ईशान टेक वर्ल्ड को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। ईशान टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इन इजी वर्ड्स। व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है ईशान, आई वेलकम यू अगेन टू दिस चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। दोस्तों ये वीडियो जो है ना वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि हम सभी जो है ना दोस्तों वो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स यूज करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका स्मार्टफोन जो है ना वो स्लो होता है और किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं या अपने स्मार्टफोन को जो है ना स्लो होने से या हैंग होने से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ना दोस्तों इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, आप इस वीडियो को प्लीज आखिर तक देखिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों डे बाय डे जो है ना वो एंड्रॉइड एडवांस होता जा रहा है और उसके एप्लीकेशन भी काफी अच्छे रिलीज होते जा रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ हाई एंड ग्राफिक्स, इन टर्म्स ऑफ हाई एंड स्टोरेज। और इन एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपका स्मार्टफोन भी जो है ना वो बहुत ही हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का स्मार्टफोन होना चाहिए। और ऑब्वियसली स्मार्टफोन भी जो है ना दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे निकलते जा रहे हैं आज के टाइम में, जैसे कि 4GB 6GB रैम के स्मार्टफोन्स। लेकिन ऐसे स्मार्टफोन्स का क्या जो इतने ज्यादा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या ऐसे यूजर का क्या कि जो एकदम हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन के स्मार्टफोन्स अभी भी यूज नहीं करते। तो दोस्तों इन सब के लिए जो है ना मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके मोबाइल को स्लो डाउन करती है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको हैंग करती है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस से आपको बच के रहना चाहिए और आपको कहाँ चेक करना चाहिए कि बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशंस आपके रैम को सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है। दोस्तों जब भी बात आती है ऐसी एप्लीकेशंस की जो आपकी मोबाइल को बहुत ज्यादा स्लो करती है, उसकी स्पीड कम कर देती है, आपके मोबाइल को हैंग करती है, तो हमारा दिमाग जो है ना वो सबसे पहले दूसरे एप्लीकेशन पर जाता है। लेकिन आपको सुनके जो है ना हैरानी होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे ज्यादा जो है ना वो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशंस आपकी मोबाइल को स्लो करती है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये सबसे ज्यादा रैम कंज्यूम करती है। आप जब चेक करेंगे तो हमेशा जो है ना ये बैकग्राउंड में आपके रैम को कंज्यूम करती रहती है। तो मैं तो आपसे दोस्तों यही बोलूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते या अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते और अगर आप सिर्फ डेस्कटॉप से ही फेसबुक को व्यू करते हो, तो आप प्लीज इस एप्लीकेशन को जो है ना अनइंस्टॉल कर दीजिए या फोर स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन आपके यूज में नहीं है तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल जो है ना वो जबरदस्ती उस लोड को ले रहा है और आप अपने मोबाइल को उस लोड से उसको फ्री कर दीजिए। और साथ ही साथ जो फेसबुक का मैसेंजर ऐप है, और ये तो दोस्तों सबसे खराब ऐप है, ये बहुत ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम करता है आपके फोन की और प्लस आपका रैम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। दोस्तों मेरी लिस्ट में आपके फोन को हैंग करने के लिए जो सबसे ऊपर एप्लीकेशन है वो है रैम क्लियर एप्लीकेशन। ये जितनी भी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मिलेंगी रैम क्लियर एप्लीकेशंस, ये सारी एप्लीकेशंस दोस्तों कुछ रैम को क्लियर नहीं करती और सिर्फ सामने का दिखाने का कुछ और है। वो कहावत है ना दोस्तों, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो है ना आपके रैम को कुछ क्लियर नहीं करती है, ये सिर्फ आपके मोबाइल को डैमेज करती है, आपका रैम मोबाइल का ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है। अब आप दोस्तों मुझे बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो सामने दिखाता है कि इतने इतना रैम फ्री कर दिया, इतना एमबी रैम फ्री कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आप एक बार रैम फ्री अप कीजिए इस एप्लीकेशन के थ्रू और उसके बाद में आप जाइए एप्लीकेशंस के यूजेज में, क्योंकि मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस का यूजेज चेक कर सकते हैं। वहां पर जाके आप देखेंगे तो वहां पर कुछ भी जो है ना दोस्तों वाइप आउट नहीं हुआ रहता है। जो एप्लीकेशंस आपके रैम को यूज कर रही है थ्रू इंटरनेट, वो एप्लीकेशंस वहां पर ऑलरेडी वैसे रहेंगी। वो इसलिए होता है दोस्तों कि ये एप्लीकेशन जो है ये हमेशा आपके बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, आप कुछ भी कीजिए, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अगर आप यूज करते, ये सब ऐसी एप्लीकेशन है जो कभी भी वाइप आउट नहीं होती। भले ही आप इसको अपने टास्क में से वाइप आउट कर दोगे, लेकिन ये आपके रैम को कंज्यूम करती रहेंगी एंड्रॉइड में। एनी विच वेज दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन आपको क्लेम करती है कि आपका रैम जो है ना ये फ्री अप हो जाएगा, ऐसा रैम फ्री अप नहीं होता। और आप याद रखिए कि यही ऐसी एप्लीकेशन है जो हमेशा जो है ना आपके मोबाइल को ब्लॉक करती है, हमेशा आपके मोबाइल को हैंग करती है और फ्रीज करती है। तो इनको दोस्तों सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। दोस्तों मेरी लिस्ट में जो दूसरी एप्लीकेशन है वो यूसी ब्राउजर है, और आपको सबको मालूम है दोस्तों कि एंड्रॉइड पे कितनी फेमस एप्लीकेशन है। मैं आपको दोस्तों एक चीज ये बता देता हूँ कि नो डाउट इस एप्लीकेशन में डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं आपको एक चीज ये बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन दोस्तों चाइनीज एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल को सबसे ज्यादा जो है ना हैंग करती है, फ्रीज करती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का मेमोरी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है और ये आपके रैम को भी बहुत ज्यादा यूज करती है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, जो स्पेशली यूसी वेब ब्राउजर के यूजर है उन लोगों ने स्पेशली एक चीज ये नोट की होगी कि जब आप यूसी वेब ब्राउजर यूज नहीं भी करते तब भी आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कोई ना कोई न्यूज के नोटिफिकेशंस आपको इसमें आते रहते हैं।
तो वो इसलिए दोस्तों कि बैकग्राउंड में ये ऐप चलती रहती है। और ये ऐप एक तरीके से और इसलिए बुरी है दोस्तों क्योंकि इस ऐप में आपके डेटा की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, आपके डेटा को थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को शेयर किया जाता है। वो मैंने बहुत पहले जो है ना अपने एक वीडियो में यहाँ पर बता दिया था, आप चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इस एप्लीकेशन को अभी के अभी इंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी होने की वजह से आप अपने महंगे फोन को जो है ना वो खराब कर देंगे या उसको नुकसान कुछ होने देंगे। हाँ, अगर आपको डाउनलोडिंग का ही इतना कंसर्न है तो आप वेब ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम का वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, उसकी डाउनलोडिंग भी काफी अच्छी है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत अच्छी डाउनलोडिंग हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज आप यूसी वेब ब्राउजर को भी अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आपसे वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के यूजेज चेक कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन आपकी कितनी रैम कंज्यूम कर रही है और कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है और बैकग्राउंड में कैसे वो रन कर रही है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं तो ये आपको अपने वीवो के फ़ोन में बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सा हैंडसेट यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो रैम का यूजेज अगर आप देखने जाएंगे तो आप सेटिंग्स पे जाएंगे और ये वीवो के हिसाब से है, और मोर सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर यहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे रैम में और यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पर रैम यूज्ड बाय ईच ऐप। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर दिख जाएगी कि कौन सी ऐप कितना रैम कंज्यूम कर रही है आपके मोबाइल में। तो आप ये देख सकते हैं मेरा जो एंड्रॉयड सिस्टम ये खाली वो 1 GB रैम ले रहा है, फिर यूट्यूब 188 MB रैम ले रहा है। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो अलग अलग रैम जो है ना तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशंस जो है ना वो रैम कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों मोबाइल स्लो और हैंग होने के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ और ये बता देता हूँ कि अगर आपकी इंटरनल मेमोरी जो है ना वो बहुत ही कम बची हुई है तो आप उसको भी जो है ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्री करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी भरती रहती है तो उससे भी आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो होता है और उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ये मेरा वीडियो था और इसमें मैंने आपको बताया है कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो आपके मोबाइल को आपके रैम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, आपके मोबाइल को स्लो करती है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कौन सी एप्लीकेशन का यूजेज बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन टू, क्योंकि आगे जो है ना इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको ऐसे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे दोस्तों। और जहां जितना हो सके उतना शेयर कीजिए दोस्तों, आपके जो भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट से उसमें प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपका फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहां हो सके दोस्तों वहां शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आपको जो है ना कुछ नुकसान तो होगा नहीं, बस आपका जो है ना मुश्किल से 1 मिनट खाली जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हमारे चैनल को जो है ना इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी दोस्तों। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे आएंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलेगा आपके लिए आपके सामने और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ प्रोड्यूस करने का। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इंशाल्लाह आपको आगे अच्छे वीडियोज़ हमारी तरफ से मिलते रहेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगले वीडियो में। जय हिंद।